तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं, जिन्हें मोनेटाइजेशन में दिक्कत जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टेप पहला होता है वो तो कंप्लीट हो जाता तुरंत, बट स्टेप दूसरा कंप्लीट नहीं होता है। वो दूसरा स्टेप इन प्रोग्रेस में रहता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, तो जल्दी से मोनेटाइज नहीं होता है। एक रीज़न और होता है, यदि आपके चैनल पर वीडियो ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है मोनेटाइजेशन के लिए। बट यदि आपके चैनल में वीडियो भी कम है, 20, 50, 100, और फिर भी आपके चैनल को टाइम लग रहा है मोनेटाइजेशन में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, क्या दिक्कत है, तो सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली तो ये होता है कि जब आपका निके स्टेटस वगैरह डाल रहे हैं अपने चैनल पर, जहाँ तक मुझे पता है तो स्टेटस वाले चैनल बड़ी मुश्किल से मोनेटाइज होते हैं या फिर होते ही नहीं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, तो यदि आप स्टेटस वाली वीडियो बनाते हैं तो ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यदि स्टेटस वाली वीडियो से आपका वॉच टाइम पूरा हुआ है और तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरी शर्त ये होती है कि आपका चैनल मोनेटाइज इसलिए नहीं होता है कि आपने पहले ही एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया है। यानी कि देखिए, पहले आप कोई ऐसे वीडियो डालते थे फालतू के, जिसकी वजह से आपका चैनल वॉच टाइम पूरा हो चुका था, फिर आपने एक बार और अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए पहले ही, तब दोस्तों आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि गलत तरीके से, गलत क्लिक बैट से आपके चैनल में वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ था, ठीक है ना। सो इस वजह से पहली बार में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अब आप दूसरी बार मोनेटाइज कर रहे हैं, तो जो आपने जीमेल अकाउंट यूज़ किया था गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहली बार मोनेटाइजेशन के भेजने के दौरान, तो दोस्तों उसी जीमेल अकाउंट को आपने नहीं लगाया है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि जो आपने अभी जीमेल अकाउंट यूज़ की है गूगल एडसेंस बनाने के लिए, तो वो नई जीमेल अकाउंट हो और पहले ही आपका एक जीमेल अकाउंट से एडसेंस क्रिएट हो चुका हो, ठीक है ना। तो देखिए, एडसेंस का एक रूल होता है कि एक व्यक्ति का केवल एक एडसेंस अकाउंट हो सकता है, या मैं ये कहूँ एक एडसेंस अकाउंट एक नाम पर केवल एक बार बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम है रामकिशन कुशवाहा तो मैं रामकिशन कुशवाहा के नाम से 2 एडसेंस अकाउंट बना लूँ, 3 एडसेंस अकाउंट बना लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति केवल एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है, और हाँ, एक व्यक्ति एक से अधिक एडसेंस अकाउंट भी बना सकता है, बट उसे ओनर, यानी कि जो एडसेंस ओनर होता है, उसे उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बार एडसेंस अकाउंट अपने पापा के नाम पे बना सकता हूँ, एक बार अपने मम्मी के नाम पे बना सकता हूँ, एक बार अपने छोटे भाई या बड़े भाई के नाम पर बना सकता हूँ, बहन के नाम पर भी बना सकता हूँ। तो जिसके नाम से भी आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यदि आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं, जैसे कि आपके नाम से पहले एक एडसेंस अकाउंट बन चुका है या फिर बनना था बट बना नहीं है, तो आप उस जीमेल अकाउंट को चेक करिए और उसी को लगा करके ट्राई करिए, तो हो सकता है कि जो इन प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, वो जो प्रोसेस है, जो आपका एडसेंस अकाउंट बनना रह गया था तो आगे प्रोसेस होने लगे उसकी, और आपका एडसेंस पे ना जाए वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। सो हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको उस जीमेल अकाउंट से एडसेंस अकाउंट को डिलीट करना होगा, यानी कि पूरी तरह से तो नहीं बनेगा जब तक आपके एडसेंस अकाउंट का वेरिफिकेशन नहीं होता, यानी कि 6 अंकों से जब तक आपका एडसेंस अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है तब तक आपका एडसेंस अकाउंट अधूरा माना जाता है। सो यदि आपका वेरीफाई नहीं हुआ है और बना हुआ है, उसे डिलीट करना होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और हो सकती है कि यदि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है इन कारणों की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, तो आपको एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना है नए जीमेल से, और इस बार आपको अपने नाम से नहीं बनाना है, अपने पापा या मम्मी के नाम से बना सकते हैं, भाई बहन के नाम से बना सकते हैं, और नई जीमेल का यूज़ करके, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्राई करना है दोबारा से, ये तो एक या दो बार में मोनेटाइज नहीं हुआ तो 4 या 5 बार में हो जाएगा, आपको ट्राई करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक।